रख के बताओ। अच्छा फीमेल के साथ रख के बताओ। अरे यार ये तो गया, वो गया, वो गया, वो गया, वो की गाइस। ये भाई मात्र 350 रुपए में ये फीमेल लाया है, बहुत ही प्यारी फैंसी है। तो हुआ तो इसके लिए भी भाई मेल लाएगा। हाँ फूट चुका है मेरे हिसाब से। ये देखो, दिखाऊं? ये देखो इसके अंदर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के भाई आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस जस्ट अभी हाल में लेकर आया हूँ कितने 3 कबूतर, जो कि भाई हम अपने सब्सक्राइबर भाई के लिए लेके आए हैं। तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और भाई उनका शौक भी करवाऊंगा। और उसी के साथ गाइस अभी मेरा भाई भी एक कबूतरी लेके आया है प्रकाश भाई से, और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनने बोला था गाइस एक अच्छी सी भाई मुझे शिराजी की जोड़ बताओ। तो मेरे पास वीडियो थी तो मैंने वो उनको डाल दी थी, तो उनको काफ़ी पसंद आई थी। तो मैं प्रकाश भाई के यहाँ था ही, तो उनने कहा था भाई ये ले लो, तो मैंने कहा उनके लिए वो ले ली। और उसी के साथ गाइस उसी टाइम एक और भाई का फ़ोन आया, वो भी हमसे कबूतर ले आ चुके हैं, दोस्त भी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। तो उनने कहा भाई एक मुझे फीमेल चाहिए यार, अच्छी फीमेल हो तो बताओ। तो मैंने प्रकाश भाई से पूछा, उनके पास एक फीमेल थी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी थी, सभी कुछ बताऊंगा। तो मैंने वो डाली तो उनको वो पसंद आई, तो गाइस हमने वो भी ले ली। तो आज की इस वीडियो, और भाई एक लाए ये, तो आज गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 नए फैंसी शिराजी और फैंसी कबूतर का शौक करवाऊंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए गाइस अपन सभी कबूतरों को खोल लेते हैं। उससे पहले गाइस मुझे एक काम करना है, जो कि अभी तो मैं कबूतरों को नहीं खोल रहा, लेकिन इसका अंडा हटाना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा हो भाई, तो उसका रीज़न ये है गाइस, इसका मेल मेरे भाई की वीडियो जो आपने देखी होगी, मात्र 300 रुपये में कबूतरी लाए हैं, 350 में जितने की भी है। तो वो इसका मेल गाइस हम प्रकाश भाई के यहाँ रखवाए आए हैं, क्योंकि हम इसके लिए रेड मेल लाए थे उससे जोड़ लगाने को, तो उसकी जोड़ लगेगी इससे। और इस अंडे में नसें नहीं थी, तो ऐसे ही डालते हैं मुर्गी को, डाल लूँ खा लेगी। तो भाई आ आ आ आ आ तो गाइस ये देखो आप लोग, फोड़ तो पानी रही, फोड़ दिया। तो गाइस ये देखो भाई, तो कबूतर का अंडा भाई मुर्गियां काफ़ी शौक से खाती हैं। तो हमने सिल्वर का जिसमें नस नहीं थी, ये देखो गाइस अंदर कुछ भी नहीं है उसके, तो ये मुर्गी को डाल दिया है और भाई मुर्गा मुर्गी मज़े से खा रहे हैं। और जैसे ही ये गाइस खा लेंगे तो उसके बाद मैं इनको बंद करूँगा, फिर गाइस अपन अपने कबूतरों को खोलते हैं। चलिए गाइस अब अपन अपने सभी कबूतरों को भाई खोल लेते हैं। आज तो भाई ये देख सकते हो यार सभी कबूतर आ चुके हैं। और जो पिंक वाली फीमेल है, जो कि भाई उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि यार उसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको भी निकालते हैं बाहर। चलो गया तुम्हारा मेल तो प्रकाश भाई के यहाँ, अब वो खुश रहेगा। तो ये देखो भाई सभी कबूतर आ चुके हैं बाहर, और ये भी बचे हैं, तुम भी आ जाओ भैया, आ जाओ आ आ। तो चूज़ों को भी यार खोल देते हैं, क्योंकि चूज़े खोलने का भी टाइम हो चुका है। खोल रहा हूँ आ, एक तो गिर गया और ये दूसरा भी गया। तो ये देखो भाई क्या हुआ, ये देखो गाइस येल्लो बच्चा है, वो खुद भाई खुद ही उड़ के आ चुका है। और अपन जो रेड मेल लाए थे वो कहाँ है, ये हैगा। तो गाइस इस वाले रेड मेल को हम इस पिंक फीमेल से लगाएंगे, ये देख सकते हो भाई साइज़ भी लगभग बराबरी का है, लेकिन फीमेल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई उसके लिए तो इतने बड़े मेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम फीमेल होती हैं गाइस जो मेल से भी बड़े साइज़ की होती हैं। जो कि मेरे पास गाइस दो ही हैं, एक ये पिंक और एक वो लाइट ग्रे बार लेवेंडर बोल लो, जो आप बोल लो। तो देख सकते हो गाइस, और बाकी ये फेंटेल की भी गाइस मेरी बात हो चुकी है उन भाई से, जिनको अभी मैं शिराजी जो मैं लेके आया हूँ वो दूंगा। तो मेरी बात हुई थी तो उनको ये भी गाइस काफ़ी पसंद आया, तो वो ये वाला फेंटेल भी गाइस वो वाले भाई ले लेंगे। तो बाकी देख सकते हो सभी कबूतरों को भाई खोल दिया है, और बाकी थोड़ा बहुत लॉफ्ट में भी जाके देखते हैं यार, काफ़ी दिनों से लॉफ्ट में नहीं गए हैं अपन। तो बाकी देख सकते हो गाइस आप लोग, माशाल्लाह से फेंटेल के 2 अंडे रखे हुए हैं, आपको पता ही है, तो दोनों सेफ हैं। बाकी इसका अभी अपन ने अंडा मुर्गी को खिला दिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी शिराजी भी यार अपने 2 अंडों पर बैठी है, लेकिन एक अंडा भाई इसका फूट चुका है मेरे हिसाब से। ये देखो, दिखाऊं? ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखना रूशान, लो इसके अंदर की वही चली गई। मैं कह ही रहा था यार एक छोटा अंडा है, छोटा तो काफ़ी है, लेकिन भाई ये शायद कबूतरों ने नहीं फोड़ दिया, इसको हटा दो, वही रेड वाली का मैंने कह दिया था ना सुबह के, भाई वो फूट गया। तो इसको तुम मुर्गी को या किसी को डाल देना।
ये भी गाइस एक शिराजी के अंडे पे भाई बढ़िया बैठी हुई है, तो इनको भी बैठे रहने देते हैं। एक ही है और बाकी ये देखो गाइस पहली बार देखा दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि हमारी यहाँ भाई पहली बार जिंदगी में, क्योंकि पहली बार तो लाए हैं, ब्लू वार सेंटीनेट के अंडे में से बच्चा निकला था। और गाइस माशाल्लाह से भाई ये 5 या 6 दिन का हो चुका है। देखो गाइस कितना क्यूट है, सेम ब्लू वार सेंटीनेट ही आएगा, बाकी जैसा बड़ा होगा अपन देखेंगे। और भाई ब्लैक भी अपने अंडों पर बैठी हुई है, चलो अच्छी बात है भाई, ये भी अपने अंडों पर बैठ रही है। और इनने दिया अभी नहीं दिया, इनकी भी मेटिंग वगैरह चालू हो गई है गाइस जल्दी, ये भी भाई अपना अंडा देंगी फिर से, एक बार तो ख़राब हो चुके हैं लास्ट टाइम के। और बाकी ये देखो गाइस ये हैं भाई अपने येल्लो बच्चे, ये तो ठीक तो है ना, ये ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस ये भी भाई बड़ा ही प्यारे कलर में आया है इस बार तो, और ज़्यादा पर वाइट भी नहीं आए जैसे भाई इसके बाप के थे, इस बार सिर्फ दो ही पर वाइट आए, तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। और इनका घोंसला है तो लॉफ्ट में तो यार यही कुछ है, कबूतर भी कम कर दिए ना, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा सामान बता दिया था जो कि मैं लेके आया था। ये देखो भाई बस एक मसला आ रहा है, लॉफ्ट बनना नहीं तो अभी तक चालू हो जाता, ये जो फ्रेम है ना जैसे वो बनाएं, वो कोई बनाने वाला नहीं मिल रहा, वो बन जाएगा तो भाई फिर तो मैं खुद ही बना लूँगा, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, अभी भाई जब तक हमें नीचे का फ्रेम नहीं बनेगा तो हम ऊपर का लॉफ्ट नहीं बना पाएंगे। बाकी देख सकते हो गाइस आप लोग सभी कबूतर बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो चलिए गाइस अब अपन अपने नए कबूतर हैं जो कि अभी भाई थोड़ी देर पहले ही लाया हूँ मैं, तो वो मैं आपको गाइस एक एक करके भाई दिखा दूँ। भाई लेके आना लो, सबसे पहले जो तुम फीमेल लाए थे वो दिखा दो, जो तुमने ली थी ना तुम्हारी वीडियो में तुमने बताई है। गाइज एक भाई ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, वो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी जरूर देखना, क्योंकि गाइज ये भाई मात्र 350 रुपये में ये फीमेल लाया है, बहुत ही प्यारी फैंसी है, तो हुआ तो इसके लिए भी भाई मेल लाएगा, हाँ तुम्हारी है भैया। तो गाइज देख सकते हो बाकी ये भी गाइज आधे इसके आधे मेरे हैं, लेकिन ये खुद से लाया है कि भाई मुझे पालना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई लिया, छोड़ दो इसको। तो गाइज देख सकते हो यूट्यूब ग्रो करोगे, पेट्स की वीडियो डालोगे, पेट्स की ज्यादातर ये कोशिश करूंगा। चलो ठीक है छोड़ दो भाई इसको, अरे यार इसके पर क्यों उखाड़ दी यार अपन ने, देखो नहीं उड़ पा रही, नहीं उड़ पा रही, ठीक है भाई तब हो दे। तो एक हो गई फैंसी कबूतरी अपने लॉफ्ट में फिर से। और भाई एक वो लेके आना, क्या कहते हैं अभी जो अपन एक भाई के लिए अभी ब्लू बार खरीदी थी मैंने, सबसे नीचे रख दी इधर है। तो भाई अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी ब्लू बार कबूतरी दिखाता हूँ जो कि अभी मैं लेकर आया हूँ। तो ये देखो ये हमारे ब्लू बार हैं, और भाई ये आ चुकी है, और ये इसी की बेटी है, प्रकाश भाई ने बताया। भाई ये जो हमारा ब्लू बार कबूतर है ये इसी की पट्टी है, देख सकते हो यार आप लोग, तो इसकी मतलब साइज़ वगैरह देखो काफ़ी अच्छा है, और भाई कलर भी काफ़ी अच्छा है। ये देखो भाई इसके फेदर दिखा ना, फेदर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं यार फेदर, ये देखो भाई इसके पैर मोज भी यार काफ़ी सही है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये देखो मेरी उंगली से भी बड़े हैं। भाई इसके भी भाई दो दो पर तो खींच ही दो, गाइस इसके थोड़े पर खींच देते हैं ताकि ये कहीं जाए नहीं, हैं ये तो आज चली आएगी, फिर भी खींच देते हैं ना दो दो, तो गाइस इसके अपन दो एक पर खींच देते हैं, ये वाला ये गाइस और इस साइड के भी, और फिर मैं अभी आपको गाइस इसको रख के बताऊंगा ताकि आप लोग और अच्छे से देख सको। और ये एक तो भाई इसको ऊपर रख के बताना इधर, तो भाई अब मैं आपको भाई इसको रख के बताता हूँ। ये देखो गाइस सामने से बिल्कुल साफ सुथरा भाई इसका सीना रखा है, फेदरिंग देखो कितनी प्यारी है, अभी बिल्कुल एकदम से आई है तो भाई थोड़ी डरी हुई है, और बाकी कलर वगैरह भी यार काफ़ी सही है, और साइज़ भी भाई इसका काफ़ी बड़ा है। तो ये देख सकते हो भाई ये ब्लू बार फीमेल मैंने अपने एक भाई मतलब दोस्त सब्सक्राइबर भाई के लिए ली है। और अब मैं आपको बताता हूँ, दो कबूतर दिखा दिए, दो और कबूतर गाइस अभी आपको बताता हूँ जो मैंने एक दूसरे भाई के लिए लिए हैं, जिनने मेरा भाई फेंटेल खरीदा है रेड वाला, तो भाई वो रखें इस वाले बॉक्स में। तो भाई लेके आना ऊशान, निकालना इनको निकालना। तो गाइस तो भाई अब मैं आपको कम रेंज के शिराजी दिखाता हूँ, मतलब नॉर्मल प्राइस जो होता है जैसे कि भाई 2500 से 3000 के बीच का, या तो वो रेट के मैं आपको शिराजी दिखाता हूँ, बाकी उसके ऊपर प्लस आपको जाना है गाइस, तो आपने भाई हमारी रेट जोड़ देखी हुई है जो कि 3500-4000 के समथिंग होती है, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो गाइस ये देखो भाई ये क्या है, मेल है फीमेल, ये तो फीमेल है, तो भाई नीचे रखो थोड़ा, हाँ तो गाइस ये देख सकते हो यार ये एक डार्क रेड में फीमेल है जो कि यार बड़ी प्यारी है यार, ये देखना पूरे रेड पर है इसके। तो भाई ये देख सकते हो यार एक रेड फीमेल ली है मैंने अपने भाई के लिए, ये वही है जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी गाइस हम और भाई लेने वाले थे, लेकिन हुआ क्या था कि हम लोगों ने वो दूसरे 3 शिराजी कबूतर ले लिए थे। तो भाई ये फीमेल है, और अभी इसको मैं आपको रख के बताता हूँ, इसके भी मैं दो दो पर खींच दूँ या पर बांधने टेप से मतलब बांधने तोड़े आएगी ना, अभी मत रखो गाइस, अभी हम भाई इसके पर बांधेंगे फिर आपको दिखाते हैं, इसको बॉक्स में रखो, मेल का शौक करवा दो, फिर अपन एक साथ पर बांध के क्या करते हैं इनका ऊपर रख के बताते हैं। रुको मैं टेप लेके आ रहा हूँ,
भाई ये फीमेल का पर बांध दिया है, मैं अभी आपको रख के दिखाता हूँ। बहुत बड़े साइज की है यार ये तो, ये देखो गाइस काफी बड़े साइज की ये फीमेल है। और भाई अभी मैंने इसको पकड़ा तो ऐसा फील आया कि आज या कल में गाइस ये अंडे भी दे देगी। तो भाई मुझे लग रहा है ये अंडे देने वाली फीमेल है। और भाई बहुत ही प्यारी है, कलर वगैरह देखो यार काफी डार्क है। एक ये ब्लू बाल लाए हैं एक दूसरे भाई के लिए, और एक ये रेड फीमेल लाए हैं। और उसका जो मेल है गाइस वो ये रहा, ये देखो ये भी बड़ा साइज है। अच्छा अच्छा, तो गाइज ये देख सकते हो मादी ज्यादा बड़ी है। तो भाई देख सकते हो यार मतलब ये भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा रेड नर है। तो पहले मैं इसके एक पर बांध दूं गाइज, फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका भी शौक करवाऊंगा और रख के बताऊंगा एक साथ कैसे लगना है। ये इसका पर बांध दिया है, मैं आपको एक बार इसका शौक भी करवा देता हूँ। हैवी है यार, साइज हैवी है इसका भी। तो भाई इसको ऊपर रख के बताओ, अच्छा फीमेल के साथ रख के बताओ। अरे यार ये तो गया, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया। ये कैसे पर बांधे थे यार इसके? हाँ भाई ये यार भाग जाएगा, इसलिए इसके भी यार मैं ये दो एक पर खींच देता हूँ ताकि ये कहीं उड़ ना पाए ज़्यादा। ये वाला खींच देता हूँ, ये भी। तो भाई इसको आप रख के बताओ ऊपर, और फीमेल हो सके तो यार पकड़ लेना एक बार भाई, फीमेल भी। तो भाई ये देख सकते हो यार इसकी स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ान वगैरह यार काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़े कद का ये कबूतर है। बाकी एक बार इसकी फीमेल भी मैं आपको साथ रख के दिखाता हूँ, थका दिया मुझे। ये देखो गाइस फीमेल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। डार्क कलर है यार इसका, काफ़ी डार्क है। और भाई बहुत बेहतरीन जोड़ है, जो कि मैं इसको इन दोनों को और भाई इस रेड फेंटेल को, तो इन तीनों को गाइज भाई मैं मतलब आज कल दे दूंगा, अभी तो शाम को वीडियो बना रहा हूँ। तो कल मैं गाइज ये तीनों कबूतर भेज दूंगा। और अभी गाइज बाकी सभी कबूतरों को यार अपन दाना पानी भी कर देते हैं, देख सकते हो आज कितने सारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी कल ये चला जाएगा और ब्लू बाल चली आएगी और दो ये चले आएंगे, फिर कम हो जाएंगे। तो अभी तो यार इनको गिराते हैं नीचे। चलो बेटा चलो नीचे, चलो नीचे नीचे चलो, गिरे आओ गिरो। तो भाई ये देखो बाकी अब बारी है दाने की। आओ 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 आओ। तो गाइस देख सकते हो यार सभी कबूतरों को भाई दाना डाल दिया है, मैं थोड़ा दाने के पास कर देता हूँ सबको। चलो 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 चलो। और ये अपना येल्लो बच्चा है गाइज माशाल्लाह से, जो कि होम ब्रीड से निकला हुआ है। अपना 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 ही अपने कबूतरों का ही तो, अपना ही तो होगा। तो भाई ये देख सकते हो यार सभी कबूतरों को यार दाना वगैरह डाल दिया है। और प्रकाश भाई की दिन भर खाते रहते हैं, तो अभी तो गाइज ये दाना खाएंगे नहीं, और बाकी अपन अपने कबूतरों को यार जब तक दाना वगैरह खाने देते हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइज मुझे आपको अपने नए कबूतर, जो कि भाई मैं अपने दोस्तों को भेजने वाला हूँ, वो मैं लाया था, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ और उनका शौक भी कराऊँ। तो गाइज ये तो भाई मैं हर किसी को तो वैसे भी नहीं भेजता, जो मुझसे पहले भी काफ़ी बार कबूतर ले चुके हैं और भाई काफ़ी अच्छी दोस्ती है। वैसे ये मैंने उनके लिए लिए थे, और आई होप कि यार आपको कबूतर पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो आप लोग कमेंट करके बताना भाई आपको ये चारों कबूतर कैसे लगे, रुझान भाई की कबूतरी भी आपको कैसी लगी। बस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी ये देख सकते हो सभी कबूतर माशाल्लाह से दाना खा रहे हैं। और जो प्रकाश भाई से मैं 5 दिन पहले लाया था, वो भी अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे खाना खाने लगा है। हाँ 4-5 दिन हो तो गए। और ये देखो वो अपना ब्लू बार वो नए वालों पे गुटक रहा है।